गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। हाँ, मैं एक बार फिर से आपके समक्ष क्लास सेकेंड SST चैप्टर नंबर 2 उसके जो कुछ आपको एक्सरसाइज बाकी रह गए थे हम आपको आज करा देते हैं। ठीक है, तो आइए हम फर्स्ट हम फिलअप करते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स, ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स गिवन बिलो। आपको यहाँ पे क्लू बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, इसी में से कोई एक शब्द को वर्ड को पिकअप करके इसमें फिलअप करना है। ठीक है, अब जैसे कि आइए हम बताते हैं आपको। आवर हाउस डैश अस फ्रॉम हीट कोल्ड रेन थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। जैसा कि आपने चैप्टर नंबर सेकंड में आप पढ़ा था कि हमारे घर जो है हमको किस चीज़ से बचाते हैं, गर्मी से, ठंडी से, बारिश से, चोर से, ठीक है, और जंगली जानवर से बचाते हैं। तो ये प्रोटेक्ट क्या होगा, ये प्रोटेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर में। सेकंड देखिए, अ डैश इज़ अ कच्चा हाउस। हर्ट, हर्ट मतलब झोपड़ी। झोपड़ी क्या होता है, एक तरह का कच्चा घर होता है। थर्ड देखिए, अब पक्का हाउस आर वेरी डैश क्या होते हैं, बोट प्रोटेक्ट हर्ट स्ट्रॉन्ग इग्लू स्ट्रॉन्ग। ठीक है, पक्का हाउस जो होता है काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है। फोर्थ, एन डैश इज मेड अप ऑफ आइस ब्लॉक्स। फोर्थ में क्या कह रहे हैं, इग्लू। इग्लू क्या होता है कि ये बर्फ़ के टुकड़ों से बना होता है ये घर। ठीक है, इसी को इग्लू कहते हैं, इसमें इसकी मोह ज़्यादा रहते हैं। फिफ्थ, अ हाउस बोट इज़ अ हाउस मेड ऑन अ डैश। देखिए, हाउस बोट नाम सुन के लग रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, बोट का मतलब नाव होता है, हाउस का मतलब घर, घर मतलब कि नाव पे बना हुआ घर होता है, ये नाव पे अधिकतर ये बनाया जाता है। अब देखिए, स्टेट वेदर ट्रू फॉल्स। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स आर यूजुअली फाउंड इन विलेजेस। जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, मतलब कि बहुत सी चीज़ों के लिए उसमें बिल्डिंग को बनाया जाता है, काफ़ी टॉल बिल्डिंग्स होती है। ठीक है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग ये शहरों में पाई जाती है, गाँव में नहीं पाई जाती, तो ये गलत है। सेकेंड, अ स्ट्रॉन्ग हाउसेस मेड ऑफ मड। जो मजबूत घर होते हैं क्या वो कीचड़ के बने होते हैं, गलत। ठीक है, फॉल्स। थर्ड, एन आर्किटेक्ट मेक्स द प्लान्स ऑफ हाउस। क्या एक आर्किटेक्ट जो है घर का पूरा नक्शा तैयार करता है, बनाता है, तो हाँ सही है। स्काई स्क्रैपर्स आर वेरी हाई बिल्डिंग्स। स्काई स्क्रैपर्स जो बिल्डिंग्स होती हैं, इमारतें होती हैं, क्या काफ़ी ऊँची होती हैं, तो हाँ ट्रू है। फिफ्थ, आर मैशन्स मेक इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स इन अ हाउस। क्या मैशन्स, क्या एक ईटा जोड़ने वाला या फिर सीमेंट को मिक्स करने वाला, क्या वो आपकी इलेक्ट्रिक फिटिंग्स आपको बनाता है, ठीक है, तो नहीं बनाता है, गलत है। ठीक है, इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिकल आपको बता दूँ, जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स होते हैं ना वो इस चीज़ को काम करते हैं। ठीक है, जो मैसन्स होते हैं वो ईटा को, ईटे को सीमेंट से जोड़ना, ठीक है, इस तरह का आपके जो घर को बनाते हैं वो मैसन्स ही बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये गलत है। सिक्स, इग्लू इज अ हाउस ऑन अ बोट। इग्लू, क्या ये नाव पे ये घर बना होता है, तो नहीं, गलत है। इग्लू जो है बर्फ़ में बनाता है, ठीक है, घर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 21 पे। 22 का तब को करा दिया, अब 21 पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए, ड्रॉ लाइंस टू मैच द पीपल्स विद योर वर्क्स। ठीक है, ये लोगों को जो अपने अपने कामों के दौरान उनको मैच करिए। फर्नीचर, लकड़ी संबंधित कौन काम करता है, तो कारपेंटर काम करते हैं। फिट्स इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, तो ये मानो। ठीक है, अब पेंट द वॉल्स, पेंटर। फिट्स वाटर पाइप्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लम्बर। अब देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड अ हाउस। देखिए, आपको आंसर दिखा रहा हूँ कि साफ साफ दिखाई दे रहा है, वी नीड हाउस टू लिव इन। ठीक है, सेकंड, व्हाट इज कच्चा हाउस मेड अप ऑफ। कच्चा हाउस किस से बना होता है, कच्चा हाउस मेड अप ऑफ मड, लीव्स, स्ट्रॉ एक्सेट्रा। थर्ड, विच थिंग्स आर यूज टू मेक अ पक्का हाउस। क्या क्या चीज़ें लगती हैं पक्का हाउस बनाने में, तो ईंटें लगते हैं, सीमेंट, आयरन, ठीक है, ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन, वुड एंड ग्लास, दीज आर द थिंग्स यूज टू मेक अ पक्का हाउस। ठीक है, फोर्थ, वाटर स्काई स्क्रैपर्स। स्काई स्क्रैपर्स आर वेरी टॉल बिल्डिंग्स। ठीक है, अब फिफ्थ देखिए, वाटर फ्लैट्स। फ्लैट्स क्या होते हैं, तो फ्लैट्स क्या होते हैं, तो आइए हम पेज नंबर टर्न करते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे कि आपको दिख पा रहा होगा, अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैज मैनी इंडिपेंडेंट हाउसेज कॉल्ड फ्लैट्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ए का फिफ्थ आंसर। ठीक है, अब सिक्स देखिए, नेम एनी थ्री टाइप्स ऑफ स्पेशल हाउसेज। ठीक है,
अब यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्पेशल हाउसेस आर गिवन बिलो, हाउस बोट, कार वन, टेंट। सेवन देखिए, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ विंडोज इन आवर हाउस, खिड़की का क्या इस्तेमाल है हमारे घर में। तो आई एम इस पेज नंबर टर्न करते हैं पेज नंबर 19 पे, ठीक है। पेज नंबर 19 पे आप देख रहे होंगे विंडोज अलाउ सनलाइट एंड फ्रेश एयर टू कम इनटू द हाउस, ठीक है। तो ये क्या सेवन आंसर ये हो जाएगा, ठीक। अब एट देखिए, व्हाई शुड वी कीप आवर हाउस क्लीन एंड क्लीन, हम अपने घर को क्यों साफ और साफ सुथरा रखना चाहिए। तो वी शुड कीप आवर हाउस क्लीन एंड क्लीन बिकॉज, ठीक है। यहाँ आप ऐसे आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। बिकॉज के बाद आप पेज नंबर 19 पर टर्न करिएगा तो पेज 19 आपको मिलेगा, बिकॉज इट कीप्स फ्लाइज मॉस्किटोज एंड एंट्स अवे, ठीक है। क्योंकि कीड़े मकोड़े को मच्छर को दूर रखता है, ठीक है। तो आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं पेज नंबर 22 पे, पेज नंबर 22, ठीक है। ये जो पेज नंबर 22 है इसमें आपको पिक्चर्स को देख के आपको फिलअप करना है, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, तो आई एम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, ठीक है। तो आपका लेसन एक तरह से कंप्लीट हुआ। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर जो फोर चैप्टर है, क्या कह रहा है, आवर नेबरहुड, मतलब हमारे पड़ोसी। लर्निंग आउटकम्स में देख लीजिए एक बार फिर से, हम आज पढ़ेंगे किसके बारे में, आवर नेबर्स, अपने पड़ोसी के बारे में, और क्वालिटीज़ टू बिकम अ गुड नेबर्स, और क्या क्या गुण होने चाहिए एक अच्छा पड़ोसी बनने के लिए। अब देखिए आवर नेबर्स, हमारे पड़ोसी, देखिए देर आर मैनी हाउसेज बिल्ट नियर आवर हाउसेज, यहाँ बहुत से घर हैं जो हमारे घर के आसपास बने होते हैं। दिस क्लोजली बिल्ट हाउसेज मेक अ नेबरहुड, एक जो घर के, आपके घर की जो पास का जो घर बना होता है वो नेबरहुड से थोड़ा सटा हुआ बना होता है, ठीक है। एक आपको पड़ोसी बनाता है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये इनका घर, और इनके घर काफ़ी पास में बना हुआ, तो इनको एक तरह से क्या बनाता है, पड़ोसी बनाता है, ठीक है। पीपल लिविंग इन दीज हाउसेस आर आवर नेबर्स, जो भी लोग इन घरों में रह रहे हैं ना, वो सभी क्या है, हमारे पड़ोसी हैं। आप भी, आपके घर के आसपास कोई भी रहता होगा, या फिर घर, आपका घर किसी दूसरे घर के चिपक के बना हुआ है, तो वो भी आपका एक तरह से पड़ोसी ही है, ठीक है, वो कोई आपका दुश्मन नहीं है। मैनी नेबरहुड्स टुगेदर मेक अ टाउन और सिटी, ठीक है। बहुत से पड़ोसी मिलकर एक साथ क्या बनाते हैं, कस्बे बनाते हैं या तो शहर बनाते हैं, ठीक है। क्वालिटीज़ टू बिकम अ गुड नेबर्स, क्या क्या गुण चाहिए आप में होने चाहिए एक अच्छा जो है एक पड़ोसी बनने के लिए। इट्स फन टू हैव नेबर्स एज दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। इट इज़ अ फन टू हैव नेबर्स, जब आपके पास पड़ोसी होते तो काफ़ी आपको मौज मस्ती होती है, ठीक है। एंड दे आर आवर बेस्ट फ्रेंड, वो हमारे काफ़ी क्या होते हैं, अच्छे मित्र भी होते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, वी शुड प्ले विथ आवर नेबर्स चिल्ड्रन, ठीक है, हमें अपने पड़ोसियों के जो बच्चों के साथ खेलना चाहिए। सेकंड पॉइंट, ये सभी आपको क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। वी शुड गो फॉर पिकनिक्स विद देम, हम उनके साथ पिकनिक्स पे जाने चाहिए। थर्ड पॉइंट, वी शुड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर, हम जो है त्यौहारों को एक साथ मनाना चाहिए मिलकर। फोर्थ पॉइंट देखिए, एट टाइम्स व्हेन वी फॉल सिक आवर नेबर्स इवन लुक आफ्टर, जब आप बीमार पड़ जाएँ तो उस आपके बाद वो आपकी रक्षा कर सके, आपको देखभाल कर सके जब आप बीमार पड़े तब, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है, वी शुड हेल्प ईच अदर इन द टाइम ऑफ नीड, हम जब एक दूसरे की मदद कर जरूरत पड़ने पर मदद भी करें। सिक्स पॉइंट क्या, वी शुड शेयर आवर जॉयस एंड सॉरोस विद ईच अदर, ठीक है, विद ईच अदर, हमें अपनी खुशी दुख सुख लोग एक दूसरे के साथ बांटना भी चाहिए, ठीक है। इसी को तो कहते हैं पड़ोसी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं, ठीक है। देखिए, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन बैकग्राउंड कास्ट बिलीफ रिलीजन लिव इन अ नेबरहुड, आपको बता दें कि ज़रूरी नहीं है कि पड़ोसी के अंदर एक ही जाति प्रथा के लोग रहें, नहीं, पड़ोसी के अंदर आपको बता दें कि अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग रहते हैं, ठीक है। गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे जनरल हो या फिर कास्ट के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग विश्वास मतलब ठीक है, अलग अलग विश्वास के लोग रहते हैं, ठीक है। उनका अलग अलग अपना क्षेत्र भी होता है, वो जो एक पड़ोसी में मिलजुल कर रहते हैं। ऑल ऑफ देम फॉलो देयर ऑन कल्चर एंड कस्टम, सभी लोग क्या करते हैं, सभी लोग को ये तो नहीं है कि सभी लोग एक ही तरह के कस्टम, अपना संस्कार, संस्कृति, ठीक है, परंपरा फॉलो करते, नहीं, सबका अपना अपना परंपरा और सबकी अपनी अपनी संस्कृति है, वो लोग अपने उसमें फॉलो करते हैं। वी शुड रिस्पेक्ट देयर कल्चर एंड ट्रेडिशंस, हमें भी क्या करना चाहिए, उनकी परंपरा और उनकी संस्कृति की आदर सम्मान करना चाहिए। वी इन्वाइट आवर नेबर्स ऑन फेस्टिवल्स एंड फंक्शन, ठीक है, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं
वी इन्वाइट आवर नेबर्स ऑन फेस्टिवल्स एंड फंक्शंस, हमें भी अपने पड़ोसियों को जो है त्योहारों पे और फंक्शंस पे हमें बुलाना चाहिए, वो लोग को भी निमंत्रण देना चाहिए। दे ऑल्सो इन्वाइट अस ऑन देयर स्पेशल ओकेशंस, वे भी हमको क्या करेंगे, हमें अपने खास महत्वपूर्ण ओकेशंस पे, ठीक है, आयोजन पे हमें भी बुलाएंगे, वो खास तरह का निमंत्रण हमें भी देंगे। वी सेलिब्रेट फंक्शंस फेस्टिवल्स टुगेदर, हमें एक साथ मिलकर आयोजन और त्यौहार को मनाना चाहिए। वी मस्ट कीप आवर नेबरहुड क्लीन, हमें अपने पड़ोसियों को साफ सुथरा रखना चाहिए। वी शुड नॉट मेक टू मच नॉइस वाइल प्लेइंग एट होम, हमें जो ज़रूरत से ज़्यादा शोर नहीं मचाना चाहिए जब हम खेल रहे हों तब। वी शुड नॉट डिस्टर्ब आवर नेबरहुड्स इन एनी वे एंड लिव पीसफुली, ठीक है, हमें जो है किसी भी तरह से अपने पड़ोसियों को डिस्टर्ब, ठीक है, उनको परेशान नहीं करना है किसी भी तरह से, ठीक है, और हमें उनके साथ शांतिपूर्वक रहना है। गुड नेबर्स मेक अ गुड नेबरहुड विच मेक्स आवर लाइफ हैप्पी एंड कम्फर्टेबल, ठीक है, अच्छे नेबर्स एक अच्छे पड़ोसी भी हमें बनाते हैं, ठीक है। गुड नेबर्स मेक अ गुड नेबरहुड, ठीक है, एक अच्छा पड़ोसी एक अच्छा पड़ोसी बनाता है, विच मेक्स आवर लाइफ हैप्पी एंड कम्फर्टेबल, जो कि हमारे जीवन को काफ़ी ज़्यादा खुशहाल और सुखमय शांति से भर देता है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कम्प्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स, तो ठीक है। तो यहाँ पर न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, कल्चर्स, कल्चर्स क्या क्या होते हैं आपको बता दें। अ पार्टिकुलर सोसाइटी स्पेशली कंसीडर इन रिलेशन टू इट्स बिलीफ, ठीक है। संस्कृति क्या होती है, एक तरह का इसका खुद का अपना समाज होता है, ठीक है। स्पेशली कंसीडर इन रिलेशन टू इट्स बिलीफ, जो कि लोग ये रिश्तों से, नाते रिश्तों से जुड़ा होता है, ठीक है, ये लोग विश्वास करते हैं कि नाते रिश्तों से इसका जो रिश्ता है जुड़ा हुआ होता है, इसी को हम कल्चर कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। सौरव क्या होता है, सौरव मतलब पेन, मतलब दर्द, दुख। कस्टम्स मतलब ट्रेडिशंस, आपको बताया था परंपरा, कस्टम्स। फेस्टिवल्स क्या होते हैं, तो आप जानते हैं त्यौहार, द टाइम ऑफ सेलिब्रेटिंग सम स्पेशल इवेंट्स ऑफ एन रिलीजन इवेंट, ठीक है, ये एक खास तरह का त्यौहार होता है जो कि कुछ खास तरह के धार्मिक मुद्दों पर इसको मनाया जाता है, ठीक है। तो आज के स्टूडेंट्स आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियोस में एक नए एपिसोड के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। अपने कीमती समय को हमारे साथ बिताने के लिए आपका बेहद बहुत शुक्रिया, तो रहिए घर में सुरक्षित और अच्छी तरह से इस वीडियोस को पॉज करके अच्छी तरह से पढ़िए, जानिए, समझिए, ठीक है। तब तक के लिए हम आगे आपके लिए वीडियोस हम बनाते रहेंगे, काफ़ी मेहनत करके हम आपके वीडियोस बनाते हैं, और आप भी काफ़ी मेहनत करके इसको पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा। अपने कीमती समय को हमारे साथ बिताने के लिए आपका बेहद बहुत शुक्रिया, थैंक यू स्टूडेंट्स।